तो प्री वर्कआउट मील आपके पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील है। और अगर मैं बात करूँ एथलीट्स की या जो एथलीट बनना चाहते हैं, तो आपको 2 से 3 घंटा पहले अपने वर्कआउट से ये एक हैवी मील आपको लेना पड़ेगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट भी थोड़ा रहे। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी जैसे मैं गेम कर नहीं रहा हूं, नॉर्मल डाइट पे हूं, फिर भी मैं 4 से 6 एग व्हाइट, उसमें 2 योक येलो पार्ट, 300 ग्राम या तो उबले आलू या शकरकंदी उबली हुई, या फिर 40 ग्राम ओट्स, 40 से 60 ग्राम, ये मेरी मील है। लेकिन जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, मील का पैटर्न यही था, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, उसमें 500-600 ग्राम तक आलू या शकरकंदी, अगर ओट्स लेना तो वो 100 ग्राम के आसपास होता था, साथ में 8 से 10 एग व्हाइट 2 योक के साथ, जब बॉडी बिल्डिंग करता था तब क्वांटिटी ये रहती थी। इसके साथ में थोड़ा सा दही 150-200 ग्राम और 1 केला आप खा लें, 2 से 3 घंटे ये पहले मील लेंगे, फिर आप वर्कआउट करेंगे, बहुत अच्छा पंप भी आएगा, पूरी एनर्जी रहेगी आप में और ये गेन करने में आपको हेल्प करेगा। अगर आप नॉन एथलीट हैं तो आप सिंपल एक छोटा सा मील लेके भी कर सकते हैं, 2 होल एग ले लें, थोड़ा सा 100-150 ग्राम आलू या शकरकंदी बॉयल करके वो खा सकते हैं, या तो या 30 ग्राम ओट्स ले लिया आपने, या वो भी नहीं हो सकता आप बहुत अर्ली ट्रेनिंग करते हैं टाइम नहीं होता, तो आधे घंटे पहले 2 स्पून नेचुरल पीनट बटर लें, 1 केला खाएं और आधे घंटे बाद अपना ट्रेनिंग शुरू कर दें। लेकिन एथलीट्स को पूरा डिवोट करना ही पड़ेगा अपने डाइट पे। तो ये प्री वर्कआउट मील है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोस्ट वर्कआउट मील की। यही 2 मील है जो आपका पूरा बल्किंग या कटिंग फेज को डिसाइड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मील है, तो इन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना आपको जो एथलीट्स हैं या एथलीट बनना चाहते हैं। थैंक यू।